बैक टू माय चैनल अजंजलि ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी सावन। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, बट क्या करूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में, मतलब फीवर वगैरह बहुत सी चीज़ें हो गई थी मेरे साथ, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। बट आज कुछ बेटर लग रहा था तो मैंने सोचा कि सावन का मैंने कोई ब्लॉग शेयर नहीं किया हुआ है। आप लोग मेरी फैमिली है तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ब्लॉग शेयर ना करूँ। अब इसके पहले मजबूरी थी इसलिए शेयर नहीं कर पा रही थी, लेकिन काम तो करना ही है और अपनी फैमिली के साथ तो रहना ही है। तो बस आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने, शंकर जी का पूजा पाठ करने। तो बस करते तो डेली हैं, बट आज मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और आप लोग का सावन किस तरीके से जा रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने इस तरीके की पीले कलर की साड़ी डाल ली हुई है और बहुत जल्दी जल्दी पहनी हूँ, क्योंकि इनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और हमें मंदिर से जल्दी से दर्शन करके वापस आना है, इनको ऑफिस जाना पड़ेगा। और ये देखिए मैंने इस तरीके का कड़ा पहन लिया हुआ है, ये सारे कड़े मेरे मीशो के हैं, अगर आप लोग को चाहिए तो मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया है, वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। और मैं चलती हूँ और वहाँ पर चल के फिर आपसे मिलती हूँ। तो हम लोग यहाँ मंदिर पे आ गए हैं और इस तरीके से यहाँ पे माला फूल बिक रहा है, तो यहाँ से हम लोग माला फूल लेते हैं, उसका दर्शन करने जाते हैं। और यहाँ पे आते ही हम लोगों ने शंकर जी का साक्षात दर्शन कर ही लिया, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उस दिन, सोमवार का दिन था और काफ़ी ज़्यादा उस दिन भीड़ हो जाती है। ये हमारे घर के बहुत पास मंदिर है और यहाँ पे शंकर जी के काफ़ी शिवलिंग हैं, तो सब शिवलिंग का अलग अलग लोग पूजा करते हैं। और यहाँ पे मैं नंदी भगवान के कान में कुछ मन्नत मांग रही थी कि दिल से अगर आप मन्नत मांगेंगे तो भगवान कभी भी निराश नहीं करते हैं, तो बस कुछ मन्नत मेरा भी था तो बस वही मैं मांग रही थी। और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत पूजा करते हैं, जल देते हैं। तो जब भी आप मंदिर में आइए और आप दर्शन कीजिए शंकर जी का, आप पूजा पाठ कीजिए, तो आप साड़ी जो पहन के आती है उसको बहुत अच्छे से बचाना चाहिए, क्योंकि इसकी पिछले साल यहाँ पे एक लेडीज़ जल गई थी। उसके बाद हम लोगों ने दर्शन किया हनुमान जी का। तो हो गई है अगली मॉर्निंग, तो कल आप लोगों ने देखा मैं शंकर जी के यहाँ दर्शन करने गई थी, बगल में ही मंदिर है। और किट्टू नहीं जा पाई थी, किट्टू का स्कूल था तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो हम लोग सोचे कि आज इसको करा देते हैं, क्योंकि आज छुट्टी है, संडे है। तो बस हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे संगम की तरफ, एक मंदिर है मन कामेश्वर मंदिर, आप लोग को भी ले चलते हैं, अगर जो प्रयागराज के होंगे वो जानते होंगे। चल रहे हैं, मैंने इस तरीके से सूट डाल लिया हुआ है और किट्टू रेडी हो गई है। हेलो बोलो। हेलो। सब बोलते हैं किट्टू तो बात ही नहीं करती, पहले बहुत अच्छी से बात करती थी, बात कर लो। मुझे शर्म आ रही है। अब शर्म आती है क्यों, पहले तो नहीं शर्म आती थी? क्योंकि मैं बड़ी हूँ। कह रही है मैं बड़ी हो गई इसलिए मुझे शर्म आती है। तो बस हम लोग रेडी हो गए हैं, निकल रहे हैं, जहाँ जाएंगे जैसे जाएंगे सब कुछ शेयर करेंगे। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अब हम लोग मंदिर की तरफ आ गए हैं, ये है मार्ग मंदिर की तरफ जाने का। तो यहाँ पे माला फूल वगैरह सब मिलता है, चढ़ाने वाला जो भी सामग्री है सब मिलता है। तो यहाँ पे मैं पहली बार आ रही हूँ, बहुत सुना था इस मंदिर के बारे में बट कभी आ नहीं सकी। तो सावन का महीना चल रहा था तो मैंने सोचा इससे बेटर क्या हो सकता है, तो हम लोग चल रहे हैं मंदिर की तरफ। और इस मंदिर में कहा जाता है कि सच्चे दिल से अगर कोई भी मन्नत की जाए तो भगवान ज़रूर पूरा करते हैं, इसीलिए ये मंदिर मन कामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ये पूजा सामग्री हम लोग का रेडी है। यहाँ पे देखिए कमल का व्हाइट वाला कैसे है, बहुत फेवरेट है, ये सब मिलता है यहाँ पे। तो ये था मेरा पूजा का पूरा सामग्री, दूध है, मिठाई है और जो भी पूजा की सामग्री है सब है, बेल धतूरा जो भी चढ़ता है शंकर जी को। और सॉरी गाइज, ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो गया था, ख़राब हो गया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। मेरे हाथ में थोड़ा दूध लग गया था जो मैंने जल लिया हुआ था चढ़ाने के लिए, तो एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में मैंने अपना पूरा सामग्री पकड़ा हुआ था चढ़ाने वाला, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी इसलिए ये थोड़ा सा ब्लर ब्लर आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसे काट नहीं सकती थी। तो वो दूध बाई चांस लग रहा है कि मेरे कैमरे पर पड़ गया था, इसकी वजह से उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा, तो इसके बाद ये सही हो जाएगा वीडियो, बस थोड़ी देर का ही ब्लर हुआ है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद सही हो गया। तो ये है मंदिर का पूरा परिसर, इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, तीन शंकर जी के मंदिर बने हुए हैं, आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे, और इधर भी एक मंदिर है। तो यहाँ पे रुद्राभिषेक वगैरह भी लोग कराते हैं, शुभ कार्य कराते हैं। तो इसके अंदर मैं जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा पाऊँगी, बस थोड़ा सा ही दिखा पाऊँगी। आप लोग दर्शन जल्दी से कर लीजिए शंकर जी का, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, बस हल्का सा मैंने आपको दर्शन करा दिया, क्योंकि यहाँ तक ले आई और आपको दर्शन ना कराऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप लोग भी मन्नत मांग लीजिए जहाँ जहाँ भी बैठे हैं आप लोग, तो ये ज़रूर पूरा करेंगे। तो बस हम लोग का पूजा हो गया है और बस
उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर दर्शन कर रहे हैं। बाहर एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे भी शिवलिंग की प्रतिमा काफ़ी रखी हुई थी, तो वहाँ पे भी लोग पूजन दर्शन कर रहे थे। बस हम लोग भी यहाँ पे करने के बाद उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये मंदिर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, बनाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पानी बहुत धुंधला लग रहा है, मे बी पानी का स्तर बढ़ा हुआ था उस टाइम। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिया, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया। भीड़ तो रहेगा ही, सावन का टाइम है। और आप लोगों ने दर्शन किया या नहीं किया, बहुत ज़्यादा भीड़ था तो बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं दिखा नहीं पाया, वैसे भी अंदर कोई अलाउड नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखा दिया है। और अब तो हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, उसके बाद हम लोग को लगी थी छोटी छोटी सी भूख। मंदिर के बगल में एक पार्क है, तो वहीं हम लोग बैठे हुए हैं अभी फिलहाल के लिए। अरे बैठे बस हम लोग को छोटी मोटी सी भूख लग गई थी, तो बस यहाँ पर हल्का सा नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे। आगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ भी नहीं पता है हम लोग को। जहाँ जाएंगे शेयर करेंगे, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और आप लोगों ने दर्शन किया या नहीं किया बताइएगा। ये है सरस्वती घाट यहाँ का, यहाँ पे नदी है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है, पीपल का पेड़ है यहाँ ऊपर और बरगद का भी है। कैसा लग रहा किट्टू? बस बहुत दिन बाद हम लोग घर से निकले हैं, तो बस अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब शेयर करेंगे। तो हम लोगों ने बर्गर मंगा लिया था, किट्टू को बर्गर खाने का मन था तो हम लोगों ने भी मंगा लिया था। और उसके बाद यहाँ पे छायादार जो भी पेड़ वगैरह था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, जैसे गांव वाली फीलिंग आ रही थी पूरा अच्छे से। यहाँ पे देखिए किट्टू मस्ती कर रही हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पार्क नुमा बनाया गया है, तो नाश्ता वास्ता करने के बाद किट्टू गई हैं पार्क, किट्टू गई हैं झूले पे झूलने, और ये इनके पापा हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता कर लिया हुआ है और हम लोग घाट की तरफ थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं। यहाँ का व्यू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा शेयर कर दूँ। और इसके बाद देखिए यहाँ पे चंद्रयान 3 रेडी है जाने के लिए अंतरिक्ष में। मैं मजाक कर रही हूँ, यहाँ पे किसी नेटवर्क का टावर लगा हुआ था, तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक किया जाए, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने चल दिया संगम की तरफ। संगम की तरफ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं आपको बताएंगे। बस यहाँ हमको अकबर का किला देखने का मन था और आप लोग के साथ शेयर करने का मन था, इसके पहले मैंने कभी शेयर नहीं किया हुआ था, तो सोचा आई हूँ तो कर दूँ। तो बस हम लोग चल रहे हैं किले की तरफ, और किला हमेशा ओपन नहीं रहता, कभी कभी ही ओपन रहता है। तो ये है किले की दीवार, इधर से ही हमको जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ बनाया गया है यहाँ पे, बस हम लोग अब अंदर जाएंगे। यहाँ पे एंट्री गेट है, तो यहीं से हम लोग को जाना है अंदर। ये है यहाँ की दीवार, आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत ऊँची ऊँची सी दीवार रहती थी पहले किले में। तो बस ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखिए संगम घाट है, इधर से हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ छोटा सा बच्चा एक शंकर जी के अवतार में मिल गया, तो बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। वैसे बच्चे तो वैसे भी भगवान के रूप होते हैं, बट ये थोड़ा सा क्यूट और शरारती बच्चा था, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पीपल का पेड़ है, अंदर हम लोग एंट्री जब करते हैं तो यहाँ पे लोग जो आए हैं दूर दूर से आराम कर रहे हैं। और ये किट्टू है, उनके पापा हैं। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं किले के मेन गेट की तरफ। और यहाँ की दीवार मैं आपको दिखा सकती हूँ, पहले की दीवार ईंट से नहीं बनते थे, इस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों से बनते थे, तो इस तरीके से बड़े बड़े इमारत टाइप के रहते थे। और ये देखिए एक गुफा नुमा बनाया गया है, तो इसके अंदर से हमको एंट्री करना है अंदर। तो किट्टू डर रही थी क्योंकि वहाँ पर एक डॉगी बैठा हुआ था, तो हम लोग इस रास्ते से आगे जाते हैं। अंदर आने के बाद हमको पता चलता है कि किले के अंदर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है, तो उसके बाहर ही हम लोग दर्शन करेंगे। तो मुझे तो बहुत निराशा हुई क्योंकि मैं जो शेयर करने आई थी वो मैं आपको शेयर नहीं कर पाई, बट कोई नहीं, यहाँ पे दर्शन मैं आपको ज़रूर कराऊंगी, क्योंकि ये पूरा एक मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे राम जी सीता जी का भी मंदिर है, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अपना जूता चप्पल यहाँ पे जमा कराते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कूलर लगाने के लिए बनाया गया था। तो किट्टू के पापा थोड़ा सा यहाँ पे हंसी मजाक करते हैं, बोलते हैं कूलर लगाने के लिए यहाँ पे विंडो बनाई गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे विंडो छोटी छोटी विंडो भी है और बड़ी बड़ी विंडो भी है, बाहरी दीवार का मैं आपको दिखा रही हूँ, अंदर तो जाना नहीं है। और इस तरीके से कुछ छोटे छोटे से गुफा नुमा बनाए गए थे यहाँ पे, तो इसको पूरा मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। अभी मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अक्षय वट मंदिर के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है, तो लोग यहाँ दर्शन करने ही आ जाते हैं। और अब हम अंदर चलते हैं, आपको अंदर का पूरा व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए शंकर जी की और पार्वती माता की इस तरीके से प्रतिमा थी, और अंदर बहुत ढेर सारे भगवान की ऐसी प्रतिमा रखी हुई थी। तो ये पूरा आपको मैं दिखा रही हूँ, एक गुफा की नुमा ही है ये, हमें लग रहा है पहले के ज़माने में, उस टाइम के ज़माने में ये गुफा ही रहा होगा। इसको तोड़ फोड़ के एक मंदिर का रूप दे दिया गया है।
तो इस तरीके से देखिए सारे भगवान की प्रतिमा यहाँ पे रखी गई है, आप लोग भी सब लोग दर्शन कर लीजिए। और ये है शनिदेव महाराज, यहाँ पे सरसों का दीपक परमानेंट हमेशा जलता रहता है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये चंद्रदेव हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इनके मस्तक पे चंद्रमा है, तो आप लोग सब लोग दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे सारे भगवान, ऐसे कोई भी भगवान नहीं है जहाँ इनकी प्रतिमा यहाँ पे ना मिले, तो ये शेषनाग भगवान। और उसके बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं सब दर्शन करने के बाद, तो यहाँ पे ये पीपल का पेड़ है, इसके नीचे भी कुछ प्रतिमाएं रखी गई हैं, तो यहाँ पे भी लोग दर्शन करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कबूतर प्यारा सा बैठा हुआ था, व्हाइट कलर का, तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद हम लोग निकल आते हैं वहाँ से, और यहाँ पे हमें लग जाती है बहुत जोरों की भूख, तो हम लोग बाटी चोखा यहाँ पे खाने आते हैं, सिविल लाइन में ये रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, इसके पहले भी मैं एक दो बार आई हूँ यहाँ पे। तो ये है अंदर का व्यू यहाँ का, आप लोग देख ही सकते हैं, पूरा एक गांव नुमा बनाया गया है, ऐसे गांव में लोग खाट पे बैठ के खाते थे, या फिर ऐसे पूरा एक देसी लुक दे दिया गया है इसको, इस तरीके से बम्बू से ऊपर का सब जो दीवार है वो बनाया गया है, और यहाँ की दीवारों पर इस तरीके से कलाकृति बनाई गई है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, सिविल लाइन बाटी चोखा रेस्टोरेंट है, मतलब अगर यहाँ के होंगे आप लोग तो जानते ही होंगे कहाँ पे है। हाँ बेटा, और किट्टू ने टर्टल लिया हुआ है, कहाँ से ली हो, मेले से? तो ये मगन है इसी में, तो बस हम लोग को भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ से हम लोग बट्टी चोखा खा लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ के हैं तो आप लोग जानते होंगे, नहीं है तो आप लोग यहाँ पे जरूर विजिट करिएगा, आपको 180 में भरपेट खाना मिलेगा, और बहुत ही अच्छा यहाँ का बट्टी रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है। अभी जो जो हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है मैं आपको दिखाऊँगी, यहाँ पर हर तरीके का डिशेज मिल जाता है, बट यहाँ का बट्टी चोखा फेमस है। तो यहाँ का आप लोग लोकेशन देख ही चुके हैं, इसके पहले भी मैं यहाँ विजिट कर चुकी हूँ, और मैंने वीडियो में डाला हुआ था, और आज फिर यहाँ पे हम लोग आए, हम लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं, अगर सिविल लाइन हम लोग किसी काम से आए तो हम लोग खा के ही जाते हैं, तो 180 में बहुत अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके की तड़के की दाल मिलेगी, दो बाटी मिलेगा, और चावल है, चोखा है, और हरी मिर्च है, दो तरह की चटनी यहाँ पे मिल जाएगी, प्याज मिल जाएगा, और कुल्हड़ में पानी, तो इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ, ठंडा ठंडा सा। तो हम लोग खाने में जुट गए, अभी मेरा ऑर्डर नहीं आया हुआ था, अभी किट्टू के पापा का ही ऑर्डर आया हुआ था, तो बस हम लोग अभी खा रहे हैं। अभी मेरा ऑर्डर में आएगा, मैंने कढ़ी चावल ऑर्डर किया हुआ था, तो उसको बनने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तब तक मैं बट्टी का इंजॉय कर रही थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बट्टी रहता है। और यहाँ पे जो लोग यहाँ के हैं वो लोग जानते ही होंगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, देसी शुद्ध खाना है। नंबर एक पूरा आज मैंने इनको खिलाया है, हर बार ये हमें खिलाते थे, आज मैंने इनको पार्टी दी है। तो ये तो था मेरा पूरा ब्लॉग, और अब हम आ गए हैं मॉल में, छोटा मोटा सा कुछ काम था तो वो करके हम डायरेक्ट घर जाएंगे। तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिएगा। अब मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक अंजलि सिंह को